Hello everyone, welcome to the online channel of Dhruv Ved Academy, यानी YouTube channel Dhruv Ved Academy का मैं विक्रांत आपका स्वागत करता हूँ। और अब मैं फ्रेगमेंटेशन रिएक्शंस के सीरीज़ को आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टॉपिक ऑफ फ्रेगमेंटेशन रिएक्शंस में हमने काफ़ी चीज़ें सीख ली थी, यानी वी लर्न अबाउट कि फ्रेगमेंटेशंस कहाँ होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। और लास्ट लेक्चर्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन में आपने क्या देखा कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं उनमें जब फ्रेगमेंटेशन हो तो वो कैसे होंगे, यानी उनकी मैकेनिज्म कैसे होंगी, तो सब कुछ हमने देख लिया था। चलिए अब मैं क्या बात करने वाला हूँ, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था कि फ्रेगमेंटेशन बेस्ड कुछ नेम रिएक्शंस होते हैं। क्या बोला मैंने? फ्रेगमेंटेशन बेस्ड कुछ नेम रिएक्शंस होते हैं। तो उनमें से पहला नेम रिएक्शन में जो डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज कॉल्ड, बोर्ड पे देखना, बैकमैन फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन, बैकमैन फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो मैंने दो नेम रिएक्शंस आपको दिखाए थे, पहला नेम रिएक्शन मैं डिस्कस करने वाला हूँ बैकमैन फ्रेगमेंटेशन रिएक्शंस में। तो सबसे पहले ना, कि जो भी बच्चा ये देख रहा होगा, ग्रेजुएशन वाले बच्चे, तुम्हारे लिए टॉपिक नहीं है, क्योंकि जैम में ये पॉइंट आता नहीं है, ये प्रॉपर नेट और गेट का टॉपिक होता है। लेकिन अगर तुम देखना चाहते हो सीख लो यार, क्या दिक्कत है, टिफर में काम आ जाएगा आप लोगों का, है ना। चलो, तो बैकमैन फ्रेगमेंटेशन रिएक्शंस में पढ़ने से पहले कि हर एक बच्चा शायद बैकमैन को जानता है, तो बैकमैन के बारे में हमने सबसे पहले कब पढ़ा था, जब हम ग्रेजुएशन में थे और वहाँ पे हमने बैकमैन रीअरेंजमेंट की स्टोरी पढ़ी थी, है ना, याद है आप लोगों को। यानी बैकमैन फ्रेगमेंटेशन के अलावा हमने बात क्या किया था, बैकमैन रीअरेंजमेंट के बारे में, और ये सबको पता होता है। तो इसका मतलब बैकमैन फ्रेगमेंटेशन को समझने से पहले ना कुछ पुरानी बातें बैकमैन रीअरेंजमेंट की देख लेते हैं। मतलब ये चैप्टर बैकमैन फ्रेगमेंटेशन का ही है, पर हम चाहेंगे कि सबसे पहले बैकमैन रीअरेंजमेंट को देखें, क्योंकि उन्हीं में से निकल के आएगा बैकमैन फ्रेगमेंटेशन, है ना, कमाल की बात। यानी एक बैकमैन रीअरेंजमेंट ही कभी कन्वर्ट हो जाएगा बैकमैन फ्रेगमेंटेशन में। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, ज़रा बताओ, कि वो मॉलिक्यूल में कोई ग्रुप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे, यही तो होता है। लेकिन फ्रेगमेंटेशन में तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ही टूट जाता है ना यार, जिसका मतलब रीअरेंजमेंट और फ्रेगमेंटेशन में कुछ एक दीवार होगी, यानी एक बेसिक सी दीवार होगी जो रीअरेंजमेंट को कन्वर्ट कर देगी फ्रेगमेंटेशन में। तो बोर्ड पे ढंग से समझ देना इसको, तो हमें सबसे पहले इनको सीखना पड़ेगा। देन आफ्टर, जब बैकमैन फ्रेगमेंटेशन हम सीखेंगे तो ना हमें एक साथ उसके एक रिएक्शन और सीखना होता है, जिसका नाम है रिटर रिएक्शन। रिटर रिएक्शन दैट इज़ ए इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑल्सो, क्योंकि कभी कभी नेट में ये क्वेश्चन आकर के आपको परेशान कर देता है। नाम तो आपने शायद पहली बार ही सुना होगा, है ना, लेकिन इसके मॉलिक्यूल बहुत काम की चीज़ होती है। तो हमें ना क्यों ज़रूरत पड़ेगी रिटर रिएक्शन पढ़ने की, क्योंकि इन दोनों के प्रोडक्ट ना कभी कभी क्या होते हैं, एक जैसे बना देते हैं, यानी इसका मतलब ये आइडेंटिकल प्रोडक्ट भी बनाते हैं। यानी इन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा, इनमें जो बनेगा वो एक जैसे होते हैं, इसलिए इन दोनों को समझना हमें ज़रूरी है। यानी इसकी जिस से ताल्लुकात है, जिस से इसका कंपैरिजन हो सकता है ना बैकमैन फ्रेगमेंटेशन का, हम उन दोनों को सीख लेते हैं, क्योंकि सीखना तो हीरो तो हमारा मेन ये है, पर ये दोनों सपोर्टिंग आर्टिस्ट हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। क्यों भाई, तो सबसे पहले इनमें क्या लिया जाता है स्टार्टिंग मटेरियल, वो बता देता हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ पे जरा बोर्ड पे ढंग से देखिएगा, यहाँ पे जो हम स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं, दैट इज़ अ ऑक्साइम, जो हमें पता है, क्योंकि बैकमैन रीअरेंजमेंट में वी मस्ट नो अबाउट द स्टार्टिंग मटेरियल विच इज कॉल्ड ऑक्साइम्स। अरे याद है ना यार, इसको ऑक्साइम कहते हैं ना, दैट इज़ अ ऑक्साइम। और ऑक्साइम को जब हम एसिडिक कंडीशन में डालते हैं तो इसकी मैकेनिज्म भी आपको पता है, क्या बनता है इसमें आप पढ़ोगे, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ अमाइड बना देते हैं, दैट ये पता है आप लोगों को, बताता हूँ मैं, फिर से देख लेना, जो नहीं पढ़े होंगे वो एक बार झलक देख लेना यार, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं बैकमैन फ्रेगमेंटेशन की बात करूँगा, वाट विल बी द प्रोडक्ट, यहाँ भी आपको ऑक्साइम ही मिलेंगे, यहाँ भी ऑक्साइम मिलेंगे। तो सवाल ये उठता है, सर यहाँ भी ऑक्साइम है और यहाँ भी ऑक्साइम है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये रीअरेंजमेंट होगी या फ्रेगमेंटेशन होगी? पता चलेगा ना, क्योंकि जो हमारा ऑक्साइम का जो अल्फा कार्बन बनेगा ना, याद रखो बेटा, उन कार्बनों पे एक कार्बन जो होगा वो टर्शरी ग्रुप होगा, क्या होगा, 3 डिग्री कार्बन होंगे। यानी यहाँ पे अगर आप देखोगे, देयर मस्ट बी अ 3 डिग्री कार्बन, अगर 3 डिग्री कार्बन है तो वो फ्रेगमेंटेशन के रास्ते से जाएगा, अगर 1 डिग्री या 2 डिग्री कार्बन एटम होंगे उसके बगल में तो वो किसके रास्ते से जाएगा, रीअरेंजमेंट के रास्ते से जाएगा। तो बिल्कुल क्लियर कट होता है ये कि ऑक्साइम दोनों में लिए जाते हैं, पर रीअरेंजमेंट में हमारे दोनों कार्बन ना 1 डिग्री या 2 डिग्री होते हैं, लेकिन जो फ्रेगमेंटेशन की कंडीशंस होती है, यानी ये मॉलिक्यूल फ्रेगमेंटेशन में कब तब्दील बन हो जाएगा, जब
एंड में जो अल्फा कार्बन होंगे या नेक्स्ट कार्बन टू ऑक्साइन कार्बन के जो बगल वाला कार्बन होगा द हैविंग द टर्सरी कार्बन, यानी वो टर्सरी हो, तो वैसे केस में ये रास्ता फ्रेगमेंटेशन के रास्ते से चला जाता है। तो ये पॉइंट ढंग से समझ लेना, मैं मैकेनिज्म सिखा दूँ रट्टा मरवा दूँ उससे क्या फ़र्क पड़ेगा यार, पर फर्क पड़ेगा ना एग्जाम में, भीड़ में पहचान लो इसको आप पक्का ना। और रिटर रिएक्शन इनसे बिल्कुल अलग है, या ना तो ऑक्साइम लिया जाता है कुछ नहीं, पर याद रखिए दे हैविंग टर्सरी अल्कोहल, यानी यहाँ पे दे मस्ट हैव टर्सरी अल्कोहल, इसलिए पहले इन्हीं को समझ लो। यस दे हैव अ टर्सरी अल्कोहल एंड एसिडिक कंडीशन एंड द लास्ट वन मस्ट बी अ आरसीएन ग्रुप। इसका मतलब इन तीनों की कॉम्बिनेशन ना आपको बताएगी कि फाइनली बनेगा क्या, यानी अगर टर्सरी अल्कोहल हो और एसिडिक कंडीशन के साथ नाइट्राइल कंपाउंड दिए गए हो, साइनो कंपाउंड दिए गए हो, तो वो रिटर रिएक्शन में तब्दील होता है और उसके प्रोडक्ट क्या बनते हैं देखेंगे इसको। इसका मतलब पहले मैं इनमें और इनमें कंपैरिजन सिखा दूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। तो काम करते हैं पहले बैकमैन रीअरेंजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलो बेटा, तो इसको बोर्ड पे नोट करो पहले, समझो कि इसमें तीनों में क्या क्या लिए जाते हैं, दैट इज़ द इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि एग्जाम में स्टार्टिंग मटेरियल देख करके थोड़ा सा अंदाजा लगाना बहुत जरूरी होता है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट आवर फर्स्ट फ्रेगमेंटेशन से पहुँचने से पहले एक बार बैकमैन रीअरेंजमेंट की स्टोरी को देख लेते हैं। मैं डिटेल में भी बैकमैन रीअरेंजमेंट की बात नहीं करूँगा क्योंकि ये अलग नेम रिएक्शन होता है ना, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम रीअरेंजमेंट रिएक्शंस की बात करने वाले होंगे। तो अभी तो कहानी फ्रेगमेंटेशन की चल रही है, पर फ्रेगमेंटेशन के रास्ते रीअरेंजमेंट भी कभी कभी आ जाता है ना, इसलिए इसको देख ही लेते हैं क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले मैं जहाँ डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज़ कॉल्ड बैकमैन रीअरेंजमेंट, जो सब लोग जानते हैं, जो भी नेट की प्रिपरेशन कर रहा होगा उनके जहन में ये बातें आसानी से चलती होती हैं। तो ज़रा आप बैकमैन रीअरेंजमेंट की स्टोरी को ज़रा देख लीजिए और आपको पता है क्या होता है, ज़रा बताओ। यहाँ पे वी हैव सम ऑक्साइम ग्रुप, जैसे मैं अगर कहूँ तो यस वी हैव ऑक्साइम, मान लीजिए वी हैव ऑक्साइम एन एंड ओ एच, एंड मान लीजिए यहाँ फिनाइल ग्रुप है और यहाँ भी फिनाइल ग्रुप है, वी हैव कोई दिक्कत है नहीं। वी हैव अ एसिडिक कंडीशन, एसिडिक कंडीशन डाल दो, या हम क्या डाल देते हैं कभी कभी PCl5 डाल देते हैं, बोर्ड पे देखो, कभी कभी SOCl2 डाल देते हैं, कभी कभी हम लोग क्या डाल देते हैं Al2O3 डाल देते हैं। लॉट्स ऑफ कंडीशंस फॉर बैकमैन फ्रेगमेंटेशन, मतलब इसे लिविंग ग्रुप बनाना पड़ता है यहाँ पे, यानी SOCl4 डाल के इसे लिविंग ग्रुप बना देते हो ना, याद है ना। तो यानी ये सब कंडीशन इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर क्या कर देते बताओ, इसे एसिड क्लोराइड के साथ ट्रीट कर दिया जाता है SCCl, और SCCl बोले तो CH3C(OCl) जो इसको किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा, इसका रास्ता थोड़ा बदल जाता है, इसको NOS में कन्वर्ट कर देता है, और इसे कुल मिला के हमें क्या बनाना पड़ता है एज ए लिविंग ग्रुप, जो OH के फॉर्म में लिविंग ग्रुप होते नहीं है। तो एसिडिक कंडीशन में वाटर मॉलिक्यूल, PCl कंडीशन में ये फॉस्फोरस से जुड़ जाता है, SOCl में सल्फर से जुड़ जाता है, एल्युमिनियम के साथ जुड़ जाता है, और उसके बाद ये निकल जाते हैं। तो ये सब कंडीशंस किसको रिप्रेजेंट करते हैं, बैकमैन रीअरेंजमेंट को। तो होता क्या बैकमैन रीअरेंजमेंट में, एसिडिक कंडीशन में आपको पता है यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल यानी OH2 पॉजिटिव बन जाए, और यहाँ पे आपके पास फिनाइल ग्रुप हो, और आपको खुद पता है ये ग्रुप जिसके एंटी ग्रुप जो होता है, यानी इसके एंटी ग्रुप जो होंगे वही रीअरेंज करेगा, यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में बाहर निकलता है बच्चा, और जैसे वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में बाहर निकलता है बताओ यहाँ पे क्या बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज, यानी यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इस पे आने वाला होता है, और उसी समय ये नाइट्रोजन का फिनाइल का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एन की तरफ चला जाता है, यानी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन की तरफ चला जाता है और पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाते हैं, ये तो पढ़ा है आपने, यानी यहाँ फिनाइल रह जाता है और ये फिनाइल यहाँ चला जाता है, और जो चार्ज डेवलप होना होता है वो किस पे आ जाता है, पॉजिटिव कार्बन पे आता है। इसका मतलब एन पे पॉजिटिव चार्ज बने और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बने, ये ज़्यादा बेहतर है, और इसके पास लोन पेयर है तो इसको मेसोमेरिक स्टेबलाइजेशन मिल जाती है, और जैसे मेसोमेरिक स्टेबलाइजेशन मिलती है यहाँ पे वी हैव C(N), और यहाँ पे फिनाइल, यहाँ भी फिनाइल, और एन पे चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, पक्का याद है ना आप लोगों को, अरे ऐसे मैकेनिज्म तो बहुत बार किए होंगे ना यार। तो इसका मतलब यहाँ पे जैसे नाइट्राइल बनता है फिर हम लोग H2O को डाल देते हैं, H2O इस पे अटैक मारता है, इस पे तो अटैक नहीं मारेगा क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल है नहीं, ये एन को वापस ले लेता है, और जैसे इनको वापस ले लेता है ये pH, यहाँ C(N), यहाँ पे pH, और यहाँ पे क्या लग जाता है बताओ, OH, डायरेक्ट मैंने बना दिया क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर वापस आ गया, और यहाँ पे OH पॉजिटिव आएगा, H को निकाल देना, और आपको पता है इसके बाद क्या होता है बेटा, टोटोमराइजेशन, क्या होता है
टोटोमराइजेशन। और ये समझ में आ गया होगा आपको, सी डबल बॉन्ड ओ बन जाता है, ये NH और PH बन जाता है। तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि यहाँ पे वी हैव अ रीअरेंज प्रोडक्ट दैट इज़ अ अमाइड फॉर्मेशन। तो यानी बैकमेंट रीअरेंजमेंट में सिंपल सी स्टोरी चलती है, यानी वाटर मॉलिक्यूल को लीव करो, ओ ग्रुप को लीव करो, वी हैव अ रीअरेंज प्रोडक्ट CN ट्रिपल बॉन्ड पॉजिटिव न्यूक्लियोफिलिक अटैक, देन वी हैव अ टोटोमराइज प्रोडक्ट अमाइड। दुनिया का हर एक बच्चा, मतलब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखा होगा BSc में, वो सब कोई मैकेनिज्म को जानते होंगे, इसमें कोई लफड़ाइज है ही नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसका मतलब आप रीअरेंजमेंट को जानते हो। तो कब रीअरेंजमेंट फ्रेगमेंटेशन में बदलेगा, हम उसी की तो इंतजार कर। तो जरा देखना, मैं आपको दो एग्जांपल और बता रहा हूं और उसी से मैं कन्वर्ट करूंगा फ्रेगमेंटेशन की स्टोरी। जैसे अगर मैं एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपके सामने लिखता हूं, मान लीजिए वी हैव दिस मॉलिक्यूल OH, ठीक है, और ये कार्बन है, एंड वी हैव दिस ग्रुप एंड वी हैव CH3, फाइन। यहाँ अगर H2SO4 डाल दिया तब रास्ता क्या होगा, अभी आपको मैंने बताया, यहाँ से H2SO4 डाला होगा तो ये वाटर बन के निकला होगा, बोलो निकला होगा, यानी एसिडिक कंडीशन में ये प्रोटोनेट हुआ होगा और ये निकल गया होगा यहाँ से बाहर, और जैसे यहाँ से बाहर निकला होगा ये रीअरेंज हुआ होगा, जो भी मैकेनिज्म आपने पढ़ा। रीअरेंज करने के बाद वी हैव दिस प्रोडक्ट, ये N, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा और यहाँ पे बन गया होगा टर्शियरी ग्रुप, एंड देन आफ्टर H2O का अटैक, जो भी आपको पता है, यहाँ पे आपको बन जाएगा कार्बोनिल एंड वी हैव NH ग्रुप। यहाँ तक तो कोई लफड़ाइश नहीं था, इसका मतलब दिस रीअरेंज प्रोडक्ट, वाटर निकल गया, पॉजिटिव चार्ज बनने वाला था, रीअरेंज करके पॉजिटिव यहाँ बन गया, इसने लोन पेयर को दिया होगा, देन वाटर मॉलिक्यूल अटैक किया होगा CO बॉन्ड NH2। तो ये मैकेनिज्म जो भी मैंने बने हूबहू यही बना दी। लेकिन अगर बच्चा मैंने यहाँ पे इस ग्रुप को टर्सरी बना दिया है, जरा बोर्ड पे ढंग से देखने का, यहाँ N, यहाँ OH, और यहाँ पे कहानी है टर्सरी ग्रुप की, जरा बोर्ड पे ढंग से देखने का, और यहाँ पे है H2SO4, क्या है H2SO4। देखना, अगर मेरा ऑक्साइम के बगल में जो कार्बन है, वी हैव अ टर्शियरी कार्बन और वही एंटी है, वही अगर एंटी पोजीशन पे होता है तो चीजें क्या होंगी, जरा बताओ। ये पहले प्रोटोनेट तो होगा पक्का, क्योंकि एसिडिक कंडीशन का ये सोर्स है, तो लोन पेयर इस पे अटैक करने ही वाला होगा, और अगर लोन पेयर अटैक करने वाला होगा तो आपके सामने कंडीशन वही बनेगी जो बैकमेन रीअरेंजमेंट के लिए बनती है। आपके सामने ये टर्शियरी ग्रुप है और यहाँ पे CH3 ग्रुप है, तो जरा बोर्ड पे ढंग से देखने का, यहाँ पे क्या होता है, ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं ना, ये लोन पेयर लेके निकलता है तो ये रीअरेंज होने के बजाय केवल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि N पे पॉजिटिव चार्ज बने, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन दे दे। और जैसे तो देखो, ये बॉन्ड टूट गया तो इसका मतलब CC बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ, और ये ब्रेकिंग का ड्राइविंग फोर्स क्या है बताओगे? यहाँ देखो, डबल बॉन्ड था, डबल ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ क्या बनेगा CH3, यहाँ से क्या निकल जाएगा H2O, और यहाँ क्या बनेगा, जरा बोर्ड पे देखो, यहाँ क्या बनेगा टर्शियरी ग्रुप, दैट इज अ टर्शियरी कार्बोकैटायन। इसका मतलब साफ है ना, जब बैकमेन फ्रेगमेंट रीअरेंजमेंट करते करते कभी ऐसा कंडीशन आ जाए जब आपका जो माइग्रेटरी ग्रुप है, जो रीअरेंज करने वाला ग्रुप है, अगर वो रीअरेंज करने वाले ग्रुप के पास टर्शियरी कार्बन है, तो वो क्या करता है, वो रीअरेंज करने के बजाय वहाँ पे फ्रेगमेंटेशन को पॉसिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि यहाँ कटायन स्टेबल बन सकते हैं, दैट इज़ अ 3° कटायन। और ऐसे केसेस में ही क्या होता है, देखो जैसे 3° कटायन बनता है ना, अब ये न्यूक्लोफिलिक नाइट्रोजन नाइट्राइल सी, समझ गए, यहाँ पे आपके पास क्या निकला होगा, यहाँ पे ये कार्बन कार्बन है, नाइट्राइल ग्रुप लगा हुआ है, RCN मान लोगे इसको, यही न्यूक्लोफिलिक अटैक कर देता है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके सामने जो प्रोडक्ट बनेगा, जरा बोर्ड पे देख के चलना, यहाँ पे भी अब टर्शियरी कार्बन, और जब ये अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो N डबल बॉन्ड CH3, और चार्ज क्या होगा N पे पॉजिटिव, क्योंकि न्यूक्लोफिलिक की तरह अटैक किया इसने, और जैसे न्यूक्लोफिलिक तरह अटैक किया, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ लेकर के आना, फिर क्या करना, वही कहानी जो सबसे पहले करवाई थी आपने, इसको अटैक करा के इसको N को लोन पेयर वापस कर देना। तो बताओ, यहाँ N होगा, यहाँ पे आपके पास एक डबल बॉन्ड खुल गया होगा, और यहाँ CH3 है, और ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे लग गया होगा OH के फॉर्म में, यहाँ पे टर्शियरी ग्रुप मिल जाएगा, और यही टोटोमराइज होंगे, और टोटोमराइज होने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा कार्बोनिल, यहाँ बनेगा CH3, और यहाँ मिल जाएगा H।
तो इसका मतलब देखो जरा बोर्ड पे कि जब मैं बैकमैन फ्रेगमेंटेशन की बात करूंगा तो कंडीशन एक बात ढंग से देख लेना, वी हैव अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड वी हैव अ एंटी ग्रुप टर्शियरी कार्बन, देन द फ्रेगमेंटेशन अकर ड्यू टू द मोर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन एंड द कार्बोकटाइन लीड्स जो भी बना है एसिटोनाइट्राइल इन पे अटैक कर देता है और फिर से यहाँ पे एन पे पॉजिटिव बन जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल का अटैक होता है और ये प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो इसका मतलब बैकमैन रीअरेंजमेंट और बैकमैन फ्रेगमेंटेशन में कंडीशन साफ है, यहाँ पे टर्शियरी कार्बोकटाइन अगर बनेंगे तो वो रीअरेंजमेंट ना होकर के फ्रेगमेंटेशन का रूप ले लेगा और अगर टर्शियरी कार्बोकटाइन नहीं बनेंगे तो वो किसका रूप ले लेगा, रीअरेंजमेंट का। समझ गया बात को? तो अभी मैं तो इसका मतलब बैकमैन से रीअरेंजमेंट से मैं फ्रेगमेंटेशन की ओर आ चुका हूँ, अब मैं बैकमैन फ्रेगमेंटेशन की तरफ हूँ, तो अब इसी की स्टोरी पढ़ लेते हैं। तो चलो बेसिक बात मैंने आपको बता दिया है कि कैसे कैसे मैकेनिज्म चलती है, कटाइन बनता है, अरेंज फिर अटैक होता है, वही कहानी टोटोमराइज प्रोडक्ट आपके सामने बनता है। तो इसी में मैं तीन लेवल की बात करूंगा बैकमैन फ्रेगमेंटेशन के बारे में। तो तीन लेवल क्या क्या होंगे बेटा, बोर्ड पे इसको जरा देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना कि ये तीन लेवल हमें एग्जाम में कैसे सॉल्व करने हैं। लेवल वन जिसमें आप केवल किसके बारे में डिस्कस करोगे, केवल डिस्कस करोगे कि कैसे आप पहचानोगे बैकमैन फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन को कि वो फ्रेगमेंटेशन के रास्ते जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो देखो दिस इज द फर्स्ट लेवल, मैं कह सकता हूँ लेवल वन ऑफ बैकमैन फ्रेगमेंटेशन। इसमें केवल आपको पहचानना है कि ये रास्ता फ्रेगमेंटेशन के रास्ते जा रहा है। जैसे जरा बोर्ड पे देखना, इफ वी हैव दिस मॉलिक्यूल हाइड्रोक्सिल ग्रुप टर्शियरी ग्रुप, यहाँ पे है OH ग्रुप, ठीक है, वी हैव एसिड क्लोराइड, कोई दिक्कत है क्या, SACL या CH3 डबल बॉन्ड OCl, इसको हम लोग ACCL भी कहते हैं ना, एसिटाइल ग्रुप का। तो इसका मतलब यहाँ पे लोन पे होगा, अटैक करेगा, सीएल को घर से बाहर करेगा, लिविंग ग्रुप बनाने का मतलब बैकमैन का अलग तरीका क्या हो सकता है, जब हम इसको लिविंग ग्रुप बनाने के लिए जाएं तो इसको ओएसी ग्रुप में कन्वर्ट कर दे या ओटीएस ग्रुप में कन्वर्ट कर दे, किसी में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। और जैसे इसको कन्वर्ट करोगे लिविंग ग्रुप बन गया, तो बताओ यहाँ पे लिविंग ग्रुप इसके एंटी ग्रुप ये वाले हैं और ये कौन सा कार्बन है, देखो 3 डिग्री है ना, है 3 डिग्री, और अगर ये 3 डिग्री है तो आप ही बताओ क्या होने वाला है, फ्रेगमेंटेशन। ये यहाँ से निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा और जैसे इलेक्ट्रॉन देगा, जरा बोर्ड पे देखना, यहाँ पे आपके पास जो प्रोडक्ट बना होगा दैट प्रोडक्ट विल बी व्हाट, यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड एन बन गए होंगे ना यार, इसने बॉन्ड तोड़ के एन डबल बॉन्ड बना दिया, यहाँ से ACO माइनस निकल के आ गया और यहाँ पे क्या बन गया जरा बताओ, पॉजिटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव चार्ज क्यों बना है, क्योंकि ये स्टेबल है। अब देखो लेवल वन में क्या बोल रहा हूँ, मैं लेवल वन में बोल रहा हूँ कि जब हमारे पास ये मॉलिक्यूल बने तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो एन का लोन पेयर ही बन जाता है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक घर के अंदर में ही है, तो घर के अंदर में जब ये अटैक करने के लिए जाए, अगर ये एसाइक्लिक होता, क्या होता ये एसाइक्लिक, तो एसाइक्लिक में तो न्यूक्लियोफाइल बनते टूटता वो आई अटैक मार देता तो अमाइड बनाना आसान था, लेकिन अगर ये रिएक्शन में ये एक रिंग की रिएक्शन होगी तो जब मॉलिक्यूल टूटेंगे तो सीएन ग्रुप भी उसी में होगा, पॉजिटिव चार्ज भी उसी में ग्रुप में होगा, तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल दोनों एक ही मॉलिक्यूल में फर्दर अटैक हो जाएगा। और जब फर्दर अटैक होगा तो सबसे पहले रिंग देखना बेटा, रिंग कितने मेंबर की बन रही है, 4, 5, 6 एंड 7, अगर ये 7 मेंबर की रिंग बन रही है तो मामला ठीक है, नहीं मतलब 6 मेंबर की रिंग बन रही तो ठीक है, 5 की बनेगी तब भी ठीक है, अगर 7 और 8 की बनेगी, जनरली 7 तक भी हम बना लेते हैं, 8 की रिंग तो कभी बनती ही नहीं है, इसमें 7 तक बन जाती है, तो फाइनली वी हैव व्हाट, ये अटैक किया तो यहाँ पे नाइट्रोजन 7 मेंबर की रिंग फॉर्म करने वाला होगा, बोलो यहाँ पे जब एन का लोन पर अटैक किया होगा, वी हैव अ ट्रिपल बॉन्ड, एन पे पॉजिटिव चार्ज, 6 यहाँ पे ग्रुप लगा दिया है, तो वी हैव व्हाट, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, और पॉजिटिव चार्ज खत्म होते ही H2O यहाँ पे जो मौजूद होगा वापस H2O डालना पड़ेगा और ये इसको लोन पेयर का अटैक होगा, और जैसे लोन पेयर का अटैक करवाओगे यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो वी हैव एन, यहाँ पे आप बता दो यहाँ OH बनेगा, लोन पेयर वापस आ जाएगा और इसी को टोटोमराइज करवा देना, और जैसे इसको टोटोमराइज करवाओगे सी डबल बॉन्ड O बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएंगे, एक साइक्लिक अमाइड बन जाएगा। तो देखो फ्रेगमेंटेशन और रीअरेंजमेंट का प्रोडक्ट अगर बनाते तो तुमको सेम ही मिलता, पर इसके मैकेनिज्म में फ़र्क आ रहा है और ये फ़र्क आपको 2 और 3 लेवल में समझ में आना चाहिए। तो आपको टर्शियरी मिले तो उसको फ्रेगमेंटेशन के रास्ते प्रोडक्ट को बना करके चले आना एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं होगी, पक्का समझ गए ना आप लोग, चलिए वेरी गुड।
तो लेवल वन ये था, अब इसी को मैं एक बार और आपके सामने रख दे रहा हूँ। देखो लेवल वन के कुछ एग्जाम्पल और कर लो ताकि दिमाग में ये बिल्कुल फिट हो जानी चाहिए, तभी जा करके चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो पाएंगी, है ना। तो ज़रा बोर्ड पे देखना, कुछ एग्जाम्पल्स और मैं करा देता हूँ, ज़रा देखो। यानी ये सारे के सारे एग्जाम्पल क्लेडन की किताब के ही मैं आज लेकर के आया हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एक रेफरेंस बुक इस टॉपिक के लिए तो आप क्लेडन को ही मान लो, फ्रेगमेंटेशन क्लेडन में सबसे बेहतरीन दी गई है। यानी यहाँ पे आपके पास कार्बन है, ऑक्साइम आपको लेकर के आना है। द ऑक्साइम विल बी, अरे कोई सा भी ले लो यार, यहाँ एन, यहाँ पे OH, ठीक है। तो मान लो ये मैंने ले लिया, तो यहाँ पे मैंने अगर ऑक्साइम लिया है तो बताओ यहाँ पे अगर मैं H2SO4 को डाल दूंगा तो क्या होगा, H2SO4। तो आप बताओ क्या होने वाला है बेटा, यहाँ पे अगर H2SO4 को डाला, या इसको ऐसे ले लो अभी OH। तो देखो अगर H2SO4 को आपने ले लिया है यहाँ पे H2SO4, तो सबसे पहले क्या होगा, ये प्रोटोनेट होगा। जो आपने अभी तक देखा वही चीज़ करो, देखो इधर। तो इसका मतलब ऑक्साइम आपने लिया है, ये मैंने यहाँ पे बिलो द प्लेन बनाया है, यहाँ एन, यहाँ OH2 पॉजिटिव, ठीक है। और जैसे OH2 पॉजिटिव बना, ये यहाँ से लीव करेगा, लीव करते ही क्या होगा बताओ, यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट हो जाएंगे, और जैसे बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होगा यहाँ पे क्या बन जाएगा देखना बोर्ड पे। यहाँ पे आपको मिलेगा सबसे पहले टर्शियरी कार्बोकैटायन मिलेगा कि नहीं मिलेगा बोलो, वी हैव अ टर्शियरी कार्बोकैटायन हियर, दैट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर द फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन, यस वी हैव अ टर्शियरी कार्बोकैटायन। और यहाँ पे हमें मिलने वाला होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, और यहाँ पे एच है, कुछ नहीं है तो क्या मानोगे, एच मानोगे, मानोगे नहीं तो कुछ सी एस थ्री ग्रुप लगा दो ना, क्या दिक्कत है, सी एस थ्री ग्रुप लगा के चलो, चलो सी एस थ्री ग्रुप को लगा लो यहाँ पे, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। सी एस थ्री को डिफाइन कर लो, एसिटोनाइट्राइल बन गया, फिर क्या होगा, कार्बोकैटायन यहीं पे, न्यूक्लोफाइल यहीं पे, इंटरमोलिकुलर अटैक, जैसे अटैक हुआ वी हैव द प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ पे बोर्ड पे जरा देखना, यहाँ पे जो अटैक होता है ना, तो देखो ये बिलो द प्लेन है तो अटैक अबव द प्लेन से होगा, क्योंकि ये ट्रांसडेकलिन टाइप का सिस्टम बनाएगा, किसके तरह बनाएगा, ट्रांसडेकलिन, एन पे पॉजिटिव, फर्दर H2 डाल देना, H2 डाल करके अटैक कराना। अगर एग्जाम में H2 नहीं गिवन है तो वर्कअप मानना, क्योंकि एग्जाम में अगर वाटर नहीं दिया हुआ है तो इसे प्रोटोनेशन जो करवाया है उसको तो यूटिलाइज करना पड़ेगा ना। तो अटैक कराओगे डायरेक्टली बनाओ में, यहाँ इनोल बनाया होगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3 बोलो, यहाँ पे आपके पास CH3 है, और इसी इनोल को टोटोमराइज कर देना, और टोटोमराइज करके किस फॉर्म में ले आना, कीटो फॉर्म में। शायद मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे, यस वी हैव अ एमाइड एंड दैट इज द ट्रांसडेकलिन टाइप सिस्टम, और ये ट्रांसडेकलिन स्टेबल होते हैं, इसलिए वी हैव वन NCO ग्रुप ऊपर की तरफ लगा देना, क्यों भाई, और CH3 ग्रुप को नीचे की तरफ लगा देना, दैट इज अ ट्रांसडेकलिन। तो इसका मतलब हुआ क्या, वी हैव अ ऑक्साइम, ऑक्साइम एग्जाम में आपको दिखेगा, दैट इज द एंटी ग्रुप जो होंगे वो माइग्रेट करते हैं, वो भी आपको पता है एंटी ग्रुप होने चाहिए रीअरेंजमेंट फ्रेगमेंटेशन के लिए भी। ये एंटी ग्रुप यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, कटाइन जैसे जनरेट हुए, कटाइन के पास न्यूक्लियोफिलिक अटैक, देन आफ्टर ये मैकेनिज्म चलती आई है, दैट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ व्हाट, दैट इज द बैकबोन रीअरेंजमेंट, है ना, समझ जाओगे। चलो अब मैं बात कर रहा हूँ लेवल टू के बारे में, मतलब क्या होने वाला है वो ढंग से देखना। और टू और थ्री ज़्यादातर नेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, पर लेवल वन क्रॉस करना पड़ता है ना, बेसिक तो समझना ही पड़ेगा, क्यों लेवल टू तक हम डायरेक्ट कैसे पहुँचे, लेवल वन और लेवल टू तो क्रॉस, लेवल वन तो क्रॉस करना ही पड़ेगा ना। जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पर, ज़रा देखना, ये एग्ज़ाम्पल बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल है, क्लेडन का ही एग्ज़ाम्पल है। जैसे सवाल आपको दिया गया लेवल टू, या मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं चलो लेवल टू की बात कर रहा हूँ। तो लेवल टू में क्या करने वाला हूँ मैं, ज़रा देखना बोर्ड पे, यहाँ पे एक ब्रिज्ड मॉलिक्यूल मैंने बना दिया है, कोई दिक्कत है ही नहीं, यहाँ पे CH3, ठीक है ना, एंड वी हैव NH2OH। दुनिया का कोई बच्चा इसको बता देगा कि इसको ऑक्साइम बनाने के लिए दिया गया है, ए फर्दर वी हैव ओनली एसिड क्लोराइड AClCl, वाट विल बी द प्रोडक्ट बी, जरा ढंग से बोर्ड पे देखने का, जरा देखना। एग्जाम में कोई बोलने नहीं आएगा कि रीअरेंजमेंट कराओ, फ्रेगमेंटेशन कराओ, कॉमन सेंस पे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो देखो
अगर मैं ऑक्साइम को बनाने के लिए आऊँ तो ऑक्साइम बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका हमें ट्वेल्थ के मास्टर ने सिखा दिया था कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज़ करा दो, और वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज़ कराओगे तो आपको मिलेगा एक ऑक्साइम। फिर सवाल उठेगा कि यहाँ पे देखो CH3 ग्रुप है, यहाँ डबल बॉन्ड N है, तो OH इधर की ओर बनाए, इधर की ओर ऑफकोर्स इधर की ओर बनाना चाहिए। रीज़न एक बात आप समझ लो, क्योंकि हिंड्रेंस की तरह आएगा तो हमें ऑक्साइम बनाने के लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, और ऑक्साइम इसके एंटी बना देंगे। तो अब जैसे ही एंटी बना, दैट विल बी द A, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें, हिंड्रेंस की वजह से इधर की ओर बन गया ये। अब एसिड क्लोराइड है, और अगर एसिड क्लोराइड है बच्चा तो क्या होगा बताओ, यहीं पे तुम समझो ये इस पर अटैक करके सेल को बाहर निकाल देगा, अरे बना देगा ना यार, सेल को निकाल देगा, सेल को निकालते यहाँ क्या बन जाएगा बताओ, ओस एसी बोल सकते हैं इसको ना, बोल सकते हैं कि नहीं। तो इसका मतलब सेकेंड स्टेप में एसिड क्लोराइड डालते ये बन गया, अगला स्टेप क्या? तो जैसे ही ऑक्साइम एक ओएसी ग्रुप में कन्वर्ट होता है, खुद ब खुद ये ओएसी को निकालना चाहिए हमें, और जब निकालोगे तो ये जो ग्रुप है देखो, क्या तुम इसको रीअरेंज कराओगे या फ्रेगमेंटेशन कराओगे, जरा बताओ। इज दिस कार्बन इज टर्शियरी कार्बन? ऑफ कोर्स यस, दिस इज अ टर्शियरी कार्बन, एंड दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकैटायन। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो नया स्ट्रक्चर बनेगा, दैट स्ट्रक्चर विल बी लाइक दैट। जरा बोर्ड पे देखते रहना, यहाँ पे N है ना, यहाँ पे N लगा हुआ है, यहाँ से OAC- लीव कर गया बच्चा, और पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे बन गया है, और यहीं पे क्या लगा हुआ है, CH3। यस, दिस इज टर्शियरी कार्बोकैटायन। तो जरा बताओ यहाँ पे हमारे पास जो मॉलिक्यूल बना है, दैट मॉलिक्यूल विल बी, अगर मैं देखूँ तो ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, एक 5 कार्बन चेन, एक रिंग बन गई है ना, देखो बोर्ड पे। तो अगर रिंग बनाओगे तो वी हैव अ 5 कार्बन चेन रिंग, और मान लीजिए दैट इज द फर्स्ट कार्बन, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है ना, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये फिफ्थ। बोर्ड पे ढंग से देखना, फिफ्थ कार्बन पे 2 क्या लगे हुए हैं बताओ, CH3 एंड CH3 ग्रुप, कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए आप लोगों को। एंड द फोर्थ कार्बन हैविंग 1 अगेन CH3 ग्रुप, एंड द कार्बोकैटायन इज प्रेजेंट ऑन द फोर्थ कार्बन, कोई दिक्कत है ही नहीं है क्या। एंड द फर्स्ट कार्बन हैविंग CH2CN ग्रुप, क्या मानोगे इसको? अब इस लेवल में मैंने ऐसा क्यों लिखा है लेवल 2, क्योंकि अगर ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता ना तो ये ब्रिज मॉलिक्यूल जनरेट कर देता। देखो जरा, देखो बोर्ड पे, अगर यहाँ पे लोन पेयर है और लोन पेयर अटैक कर जाए तो ये क्या बन जाएगा, ब्रिज मॉलिक्यूल बन जाएगा। तब ऐसे केस में होता क्या है जरा देखो, तब ऐसे केसेस में ना यहाँ पे जो H है बगल वाला कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करने के लिए, पड़ोसी वाले हाइड्रोजन जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, और जब वो रिलीज होते हैं तो यहाँ पे हमारा फाइनल जो स्ट्रक्चर बनेगा, दैट स्ट्रक्चर इज लाइक दैट, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CN ग्रुप। तो इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहाँ नहीं होंगे जब एक ब्रिज मॉलिक्यूल बने, या 8 मेंबर्ड या 9 मेंबर 10 मेंबर की रिंग बन रही हो, तो ऐसे केसेस में क्या करना है, H को रिलीज करा देना है। तो अगर मैं ना, अगर मैं शॉर्टकट की बात करूँ ना, शॉर्टकट की बात करूँ तो देखो क्या होगा पता है, जब मैंने आपको फ्रेगमेंटेशन रिएक्शंस की बात बताई थी तो आपको बोला था ना कुछ इस तरीके की चीज़ें होंगी। जरा देखो, यहाँ H लगा दिया मैंने, लास्ट वाला जो प्रोडक्ट बना है वो कैसे बना है, अगर मैं सिंगल स्टेप में समझाऊँ, यहाँ से ये ग्रुप लीव किया, ये बॉन्ड शिफ्ट किया, कटायन यहाँ बनेगा, और उसी समय ये H को ट्रांसफ़र कर दिया, याद है? जब ये आपको क्या बोला था मैंने, ये एक तरीके से विड्रॉइंग ग्रुप की तरह एक्ट करा, और यहाँ पे जो बॉन्ड है CH का वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह एक्ट किया। तो मैंने एक केस आपको बताया था कि जब CH बॉन्ड भी एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह एक्ट करने वाले होंगे। तो या तो आप इसको मैकेनिज्म तोड़ करके सीख लो कि यहाँ से ये NO ऑक्साइम बनाया, ये ऑक्साइम से एसिड क्लोराइड ने इसको OAC बनाया, लिविंग ग्रुप बना लिया, ये लीव कर गया, कटायन जनरेट हुआ, कटायन जनरेट करने के बाद आप H का लॉस करा रहे हैं। रीज़न क्या है, यहाँ पे N का अटैक हो सकता अगर ये आपका रिंग बनाता, अच्छी खासी रिंग बना लेता, स्टेबल मॉलिक्यूल बनाता तो बनता ना, लेकिन नहीं बना रहा है, तो ऐसे केसेस में वी हैव रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। पक्का समझ गए, दिस इज द लेवल 2, और ये नेट के पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और कई बार इसके पेपर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। तो जब मैं प्रीवियस ईयर का दौर शुरू करूंगा ना, तो उसमें आपको ये सब चीज़ें मैं फिर से एक तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। तो फिलहाल कंसेप्ट सीख लो, तब तो प्रीवियस ईयर करोगे ना कि बिना पहले ही प्रीवियस ईयर स्टार्ट कर दूं। पहले एक बार सीख लो चीज़ें, फिर मैं प्रीवियस ईयर को लेकर के जरूर आऊंगा, ताकि आप लोगों को लगे कि भाई जो पढ़ा है वो सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हिलेंगे, या फिर
ऐसे ही कॉन्सेप्ट पढ़ते ही जा रहे हैं? नहीं, आपको सीखना भी पड़ेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो चलिए अब आगे मैं बढ़ रहा हूँ, इसी लेवल को आप क्रॉस कर लेना। जैसे मैंने अगर ये क्वेश्चन दिया है तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, बेटा क्या दिक्कत है, दैट इज़ अ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप ले आना और यहीं पे आप ले आना एन। यहाँ पे आपको मैंने दे दिया है कार्बोनिल, या फिर ऐसे देखो ना, यहाँ पे मान लीजिए मैंने आपको दिया है ओ एच, यहाँ से स्टार्ट कर दूँ। ओ एच क्या करना है, पी सी सी फर्स्ट डाल देना, एन एच ओ एच थर्ड, एसिड क्लोराइड, ठीक है, फोर्थ, एसिड क्लोराइड डालने के बाद व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ए, कर लोगे, कर लेना। तो ये कहानी थी लेवल टू की जिसको आपको डिस्कस करना था, कर लेना बच्चा लोग, कर लोगे पक्का। चलो आगे बढ़ो, मैं बढ़ जाता हूँ। तो कब रीअरेंजमेंट कराना है, कब फ्रेगमेंटेशन कराना है वो आपको पता होगा, और पी सी सी का रोल पता क्या होगा, पी सी सी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वो उसको ऑक्सीडाइज कर देगी, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं लेके आ रहा हूँ लेवल थ्री, जरा देखो लेवल थ्री में मैं क्या करने वाला हूँ। एक क्वेश्चन से इसका शुरुआत कर देता हूँ लेवल थ्री का। जैसे अगर मैं क्वेश्चन करने के लिए दूँ आपको, तो जैसे मैंने क्वेश्चन आपको दिया है, वी हैव अ सिक्स मेंबर्ड रिंग एंड वी ऑल्सो हैविंग सेवन मेंबर्ड रिंग, वी हैव अ ऑक्साइम ऑल्सो, वी हैव अ दिस ग्रुप ऑल्सो, ठीक है, एंड वी ऑल्सो हैविंग एसिडिक कंडीशन, वी हैव अ एसिडिक कंडीशन, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। जरा आप इसको बनाइएगा, वीडियो पॉज करके पहले बनाइएगा, है ना, वीडियो को पॉज कर लीजिए और पहले इसको सॉल्व करिएगा। अब जरा मैच करिए सवाल, OH है, झूठ बोलाना बनाया नहीं ना, बदमाश। देखिए यहाँ अगर एसिडिक कंडीशन आपने डाला है, ये H प्लस जब अटैक करने के लिए जाएगा तो यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन आपको पता है, ये प्रोटोनेट हो जाएगा। तो यही बना देता हूँ मैं, ये प्रोटोनेट हुआ, हर एक बच्चा जानता है, लीव करा, रीअरेंजमेंट या फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन हमें टर्सरी बन रहा है, यस वी हैव अ फ्रेगमेंटेशन प्रोडक्ट। और जब यहाँ बनाओगे, वी हैव सी ट्रिपल बॉन्ड, बताओ ये कार्बन है, यहाँ सी एन लिख दो तो कोई दिक्कत क्या, इस कार्बन, अच्छा ये कार्बन है ना, इस कार्बन से ये ग्रुप लगा हुआ है, ओके ओके ओके, यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड एन बन के तैयार है, यही तो है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन बन के क्या तैयार होगा, पक्का ना, हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाया जाए क्या दिक्कत है, पॉजिटिव चार्ज बनेगा यहाँ पे, बनेगा कि नहीं बनेगा, अब बताओ। अब यहाँ पे जब तुम इसकी रिएक्शन कराओगे तो क्या नाइट्रोजन के लोन पेयर का अटैक कराओगे, क्या एन का लोन पेयर का अटैक करवाओगे आप ही बताओ ना यार, नहीं ना करवाओगे, क्यों, क्योंकि अगर एन का लोन पेयर अटैक करने जाएगा तो वी हैव अ हाउ मच रिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर रिंग, फॉर्म नहीं करना, फॉर्म करोगे क्या, नहीं ना। फिर तुम बोलोगे सर अभी आपने बताया एच का रिलीजमेंट करा देते हैं, करा देना, करा देते अगर यहाँ पे कोई और न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, देख लेना जरा बोर्ड पे ढंग से एक बार देखो, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिख रहा हूँ, समझो कॉम्प्लिकेटेड हम नहीं बनाएंगे इन चीज़ों को, सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, ये साइनाइड है। अब यहाँ कितने कार्बन एटम है जरा बताओ, वी हैव 1 2 3 4 5 एंड इसको मान लो 6 कार्बन, मैंने ऐसा क्यों किया है, वी हैव 1 2 3 4 5 6 देखो बोर्ड पे देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 और 5 पे ही लगा हुआ है CH3 ग्रुप और 5 पे ही क्या बना हुआ है पॉजिटिव ग्रुप। जरा बताओ बचपन में कभी बेंजीन का न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराया है, बहुत सारे फ्रेडर क्राफ अल्काइलेशन असाइलेशन याद है ना, तो उसमें आप सब्सिट्यूशन के लिए क्या करते थे, अगर बेंजीन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँ तो कोई दिक्कत क्या, कैसे भी करो ना यार क्या फ़र्क पड़ता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस बेंजीन का अटैक होगा और ये इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, और ये मैंने ऐसा क्यों किया बताओ, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक बेंजीन होती है तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगी, रिंग, और अगर रिंग बनेगी तो पॉजिटिव यहाँ पे बनेगा सबसे पहले, अरे ये पाई बॉन्ड यहाँ अटैक करे तो पॉजिटिव यहाँ बनेगा ना,
उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना है तो यहाँ हाइड्रोजन होगा, इसको लीव कराओ और यहाँ पे फाइनली क्या बनेगा जरा बताओ, वी हैव सिक्स मेंबर्ड रिंग बोथ हैविंग द सिक्स मेंबर सिस्टम, यहाँ एरोमेटिसिटी वापस आ जाएगी, ये साइनाइड और यहाँ पे बन जाएगा CH3 ग्रुप, दैट विल बी द इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम में सोचना होगा इफ वी हैव अ बेंजीन रिंग एंड वी हैव एसिडिक कंडीशन, कटाइन बना, हम हो सकता है यहाँ से एच को रिलीज करा के एल्कीन बना देते, ठीक है, लेकिन यहाँ एल्कीन बनाने से पहले ये बेंजीन का अटैक हो जाएगा और बेंजीन का अटैक करके, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है ना, तब न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा दो, देन आफ्टर यहाँ पे अगर सिक्स मेंबर की रिंग बेंजीन नहीं होती, मान लो ये बेंजीन नहीं होता, तब तो एच को रिलीज करा देना जहाँ पे एल्कीन स्टेबल बने, नहीं समझे बात को, यानी यहाँ पे अगर बेंजीन नहीं होती तो आप क्या करते, इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक तो होता नहीं, तब आपके पास क्या केसेस बन जाता, एच यहाँ से रिलीज करें, यहाँ से रिलीज करें, अरे मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बना देते ना, सेट जे प्रोडक्ट, पक्का ना, तो ये कंडीशन थोड़ा याद रखने का, पक्का, तो चलो लेवल 3 में इस बात को थोड़ा तुम सॉल्व कर लेना, कोई लफड़ाइश नहीं है, करते हैं बात, आगे बढ़े, पक्का आगे बढ़ते हैं, चलो नोट डाउन कर लेना इसको, अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, बोर्ड पे ढंग से फिर एक बार देखेंगे, नोट डाउन कर लीजिए इसको, दिस इज द लेवल 3 ऑफ व्हाट, बैकमैन फ्रेगमेंटेशन, देखो सीसी बॉन्ड टूट गया तो फ्रेगमेंटेशन तो हो गया, छोड़ दो, यानी मॉलिक्यूल सीसी कार्बन सीसी बॉन्ड टूटे, यस वी हैव अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ब्रेकिंग, दैट इज अ फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन, अब उसके बाद क्या होगा, तीन केसेस मैंने बता दिया है, अगर साइनाइड का अटैक हो गया तो अमाइड बन जाएगा, अगर साइनाइड का अटैक नहीं हुआ तो एच को रिलीज करा के एल्कीन बना दो, और अगर एल्कीन नहीं बना सकते हो, बेंजीन की रिंग प्रेजेंट है तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा करके वहाँ पे एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करा दो। तो ये कहानी थी बेटा बैकमैन फ्रेगमेंटेशन रिएक्शंस के बारे में, तो आगे बढ़ते हैं, तो देखो यहाँ तक हमने बैकमैन फ्रेगमेंटेशन की बात कर ली है, हो गई, अब यहीं से मैं क्या करता हूँ, फ्रेगमेंटेशन को सीख लिया ना, अरे एलिमेंट्री पार्ट, बेसिक्स पार्ट, मेजर पार्ट सब समझ गए, अब कहानी शुरू करता हूँ मैं रिटर रिएक्शन की, किसकी, रिटर रिएक्शन की, तो पहले एक बार रिटर रिएक्शन को समझ लो, फिर इसकी कंपैरिजन किससे कर लेंगे, बैकमैन फ्रेगमेंटेशन से, यानी इसको क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्या ज़रूरत थी, यानी रिटर रिएक्शंस को पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी, तो जैसे बैकमैन फ्रेगमेंटेशंस को पढ़ने से पहले बैकमैन रीअरेंजमेंट की जरूरत पड़ी ना, क्यों पड़ी समझ में आया होगा, क्योंकि दोनों में स्टार्टिंग मटेरियल एक जैसे होते हैं, दैट्स व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द बेसिक कंडीशंस, और रिटर रिएक्शंस में क्या होगा, बैकमैन फ्रेगमेंटेशन और रिटर रिएक्शन के ना प्रोडक्ट एक जैसे बन जाते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम, वहाँ स्टार्टिंग मटेरियल एक जैसे तरीके से था, यहाँ प्रोडक्ट एक तरीके का है, तो प्रोडक्ट और स्टार्टिंग मटेरियल अगर एक तरह के किसी मॉलिक्यूल के दूसरे के साथ मैच करेंगे तो वी हैव टू डू सम कंपैरिजन ना, दैट्स व्हाई, तो रिटर रिएक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो क्या होने वाला, जरा बोर्ड पे देखो क्या मिलता है रिटर रिएक्शंस के लिए हमें, वी हैव अ टर्शियरी अल्कोहल, यस वी हैव अ टर्शियरी अल्कोहल, एंड टर्शियरी अल्कोहल के साथ हमें मिलता है कोई एसिडिक कंडीशन, और यहाँ पे हमें डायरेक्ट मिल जाएगा कोई नाइट्राइल, दैट इज़ ए इम्पॉर्टेंट थिंग, तो क्या होने वाला है जरा बताओ, अगर टर्शियरी अल्कोहल है दैट इज़ ए एसिडिक कंडीशन, और एसिडिक कंडीशंस है तो H+ का अटैक होगा, और अगर H+ का अटैक हुआ तो यहाँ पे क्या बनेगा बताओ, वाटर मॉलिक्यूल OH2+, और जैसे OH2+ बनेगा ये लीव करेगा कि नहीं, यस इट विल लीव, और अगर ये लीव करेगा, यस वी हैव अ कार्बोकैटायन, और यदि आपके पास कार्बोकैटायन है दैट इज अ नाइट्राइल ग्रुप, यस वी हैव अ नाइट्राइल ग्रुप, और अगर नाइट्राइल ग्रुप है दैट इज अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक, वही कहानी होगी ना, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक अगर हुआ है तो हमारे सामने स्ट्रक्चर क्या बनने वाला है बताओ, एन ट्रिपल बॉन्ड CCH3 एन पे पॉजिटिव, एंड देन आफ्टर वाटर मॉलिक्यूल विल कम, और वाटर मॉलिक्यूल विल अटैक ऑन दैट विच कार्बन, यस इस कार्बन पर अटैक करेंगे, नाइट्रोजन का लोन पर वापस आ जाएगा, मतलब पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को खींच निकालेगा ये, एंड वी हैव सी, वी हैव लोन पेयर, एंड वी हैव OH, वी हैव CH3, एंड द फाइनली वी हैव व्हाट, जरा देखो N C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पे NH, इसका मतलब OH अगर H+ के साथ आया, वाटर मॉलिक्यूल निकला, कटाइन बना, नाइट्राइल ग्रुप का अटैक हुआ, वाटर मॉलिक्यूल अटैक, वही कहानी तरीके का है, पर यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल आपने अलग लिया था, देखो कार्बोकैटायन क्या बना, ये न्यूक्लियोफाइल किसने अटैक किया ये, तो तुम जरा बताओ बैकमैन फ्रेगमेंटेशन में भी कुछ इसी तरीके से हुआ था ना, अगर मैं ये रिटर रिएक्शंस की स्टोरी बता रहा हूँ तो बैकमैन की स्टोरी क्या होती थी बताओ, बैकमैन की स्टोरी में वी हैव अ टर्शियरी ग्रुप, वी हैव अ ऑक्साइन OH होता था, अरे होता था यहाँ CH3 होता था, देखो यदि ये कंडीशन आप लेके चलोगे दैट इज द कंडीशन,
और ये कंडीशन अगर आप एसिडिक H2SO4 के साथ लेके चलते थे तो आप मैकेनिज्म अभी सीखे हो, यहाँ OH एंटी पोजिशन पे रखते थे हम लोग OH, ये एसिडिक कंडीशन हुआ करता था या OH प्रोटोनेट होता था, बोलो यहाँ पे जैसे प्रोटोनेशन होता था ये लीव करता था, कटाइन इस पे बनता उससे बेहतर ये लीव कर जाता था। अब मैं शॉर्टकट तो मार सकता हूँ ना, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, वी हैव N, वी हैव CH3 एंड डेफिनेटली वी हैव ट्रिपल बॉन्ड, लोन पे ये नाइट्राइल ग्रुप निकलते थे यहाँ पे, एंड वी हैव अ टर्शियरी कार्बोकटाइन। इसका मतलब जरा बोर्ड पे देखो, यहाँ तक जो तुमने बात करी थी इन दोनों में सिमिलरिटी समझ में आया, क्योंकि लास्ट में इन दोनों के रिएक्टेंट एक जैसे बन जा रहे हैं, कि यहाँ पे साइनाइड आप लेके चलते थे, यहाँ पे साइनाइड रिलीज होता था और यही न्यूक्लियोफिलिक अटैक मार देता, और न्यूक्लियोफिलिक अटैक मारने के बाद वी हैव CH3 सी ट्रिपल बॉन्ड एंड अटैक करता यहाँ पे कार्बोकटाइन पे जब ये अटैक करता, आप अभी मैकेनिज्म पढ़े हो, एंड पे क्या बन जाता पॉजिटिव वाटर का अटैक, एंड वी हैव आल्सो सी डबल बॉन्ड ओ CH3 एंड H ये ग्रुप, इसको वाटर के अटैक कराने के बाद ये करा लोगे। देयर स्टार्टिंग मटेरियल, इसका प्रोडक्ट देखो, बट देयर स्टार्टिंग मटेरियल इज डिफरेंट ना, एक अल्कोहल है और एक ऑक्साइन से शुरुआत हो रही है, पर बोथ हैविंग द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट, इसलिए समटाइम्स इन गेट वी हैव व्हाट वी हैव अ बोथ प्रोडक्ट, हमें दोनों प्रोडक्ट दे देगा और पूछेगा कौन कौन से रिएक्शंस में ये प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो MSQ क्वेश्चन ऑफ गेट के लिए दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी रिटर रिएक्शंस एंड द बैकमैन फ्रेगमेंटेशन लीड्स टू द सेम प्रोडक्ट। तो रिटर रिएक्शंस की पहचान क्या होती है, बैकमैन फ्रेगमेंटेशन तो पहचान गए आप, रिटर रिएक्शंस की पहचान क्या होती है वो भी पहचान गए, तो एक सवाल और कर लो, मिटा दूँ इसको, मिटा ही देता हूँ, एक सवाल और कर लो ताकि आपको पता चल जाए कि रिटर रिएक्शंस में और बैकमैन फ्रेगमेंटेशन रिएक्शंस की प्रोडक्ट एक जैसी ही बनेगी। पर याद रखना, बैकमैन फ्रेगमेंटेशंस के लिए वी हैव अ ऑक्साइन विच हैव अ टर्शियरी कार्बन आल्सो, एंड इन द रिटर रिएक्शंस वी हैव अ टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो जरा मुझे बताओ, यानी अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, वी हैव अ क्वेश्चन, यानी सिक्स मेंबर की रिंग है, वी हैव अ सिक्स मेंबर रिंग, वी हैव अ CH3 ग्रुप एंड वी हैव अ OH ग्रुप, है ना, एंड इफ वी हैव H2SO4, इफ वी हैव CH3CN, दिस इज द प्रोडक्ट ए, फाइन। एंड यहां भी अगर मैं आपसे बोलूं, वी हैव अ सिक्स मेंबर फ्यूज रिंग एंड फ्यूज रिंग के साथ वी हैव अ मैथिल ग्रुप एंड वी हैव अ मैथिल ग्रुप एंड वी हैव ऑल्सो अ कार्बन विच हैव ऑक्साइन, फाइन, एंड वी हैव अ H2SO4, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, कर दोगे, पोज करो, वीडियो पोज करो, प्रोडक्ट बनाओ, जल्दी बना लो। जैसे वीडियो आप क्लोज करके प्रोडक्ट बना रहे होंगे, फाइनली आपको पता चल गया होगा इसके प्रोडक्ट तो मैंने बना दिए थे, बनाए थे कि नहीं बनाए थे, रिकैप करके देख लेना आपको क्या मिला होगा इसके प्रोडक्ट में, बताओ। वी हैव सिक्स मेंबर्ड रिंग, ऑफ कोर्स वी हैव सिक्स मेंबर्ड रिंग, वी हैव अ मैथिल, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी, वी हैव अ अबव द प्लेन NHCOCH3, क्या ये मैंने प्रोडक्ट बनाया था, बिल्कुल बनाया था, दैट इज पहले ही बना दिया था मैंने इसको। यहाँ बताओ, यहाँ क्या करोगे, H2SO4 है, यस वी हैव अ कार्बोकटाइन, वी हैव अ कार्बोकटाइन, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, टर्शियरी कार्बोकटाइन बनेगा, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, एंड वी हैव अ नाइट्राइल ग्रुप एंड सी ट्रिपल बॉन्ड CH3, और यहाँ लोन पेयर अटैक हुआ, इफ लोन पेयर विल अटैक व्हाट विल हैपन, आप ही बता दो, यहाँ N, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड CCH3 बेटा, प्लस चार्ज किस पे, N पे, वाटर का अटैक कराओ, जैसे H2O का अटैक कराओगे तो यहाँ भी देखो, यहाँ मैथिल अगर बिलो द प्लेन है, ऑफ कोर्स इसको अबव द प्लेन बनाना, क्योंकि ये ट्रांस बनाने की कोशिश करेगा, वाटर का अटैक होगा, ऑक्साइन एन पे लोन पर वापस इनॉल बना, टोटोमाइस करके कीटो फॉर्म, इसका मतलब दैट इज द प्रोडक्ट ए, बोथ हैविंग द सेम प्रोडक्ट, बट क्या स्टार्टिंग मटेरियल दोनों के एक जैसे थे, नहीं ना, इस रिएक्शन का नाम बताओ रिटर रिएक्शन बोलो क्यों भाई, और इसका नाम क्या, बैकमैन रीअरेंजमेंट बोलेंगे या बैकमैन फ्रेगमेंटेशन, अबे फ्रेगमेंटेशन बोलोगे ना यार, रीअरेंजमेंट भूल के भी मत बोल देने का, समझ गए, पक्का ना, नोट डाउन कर लीजिए। तो ये कहानी थी बैकमैन फ्रेगमेंटेशन एंड रिटर रिएक्शंस की। तो मैं क्या करता हूँ, रिटर रिएक्शंस को ना थोड़ा और डिटेल में आपको सिखाई देता हूँ, क्योंकि फिर से अलग क्या वीडियो बनाऊँ इसका, इसी रिएक्शंस में देख लो यार, मिटा दूँ इसको, कर लेना इसको, ठीक है।
तो ये मैंने आपको बताया कि बैकमैन फ्रेगमेंटेशन क्या होते हैं और रिटर रिएक्शंस क्या होती हैं। तो इसमें अब रिटर रिएक्शंस के और कुछ एग्जांपल्स देख लो, क्योंकि अलग से इसको नहीं पढ़ने का, अलग से इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ। ज़रा बोर्ड पर देखो, जैसे अगर एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, 6 मेंबर्ड की रिंग है, 5 मेंबर्ड भी यहाँ पे मौजूद है, वी हैव अ OH ग्रुप एंड इफ वी हैव अ H2SO4, क्या है मेरे पास बताओ, H2SO4 और यहाँ पे दिया है CH3CN। तो ज़रा देखो, अगर ये केवल H2SO4 के साथ दिया गया होता तब तो अभी तक वो तो भी 12th का बच्चा भी कर लेता है, क्यों भाई, कटाइन बना होगा, रिंग एक्सपेंशन हुई होगी, पॉजिटिव चार्ज बना होगा, एलिमिनेशन हो गया होगा। बताओ अगर ये नॉर्मल H2SO4 के साथ होता तो तुम बना लेते ना प्रोडक्ट, अरे पक्का ना यार, स्पाइरो रिंग है और इस टाइप का रिएक्शन बहुत किया है यार तुमने, पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनाया, रिंग एक्सपेंड कराई, और रिंग एक्सपेंड कराते वी हैव व्हाट, 6 मेंबर्ड रिंग, बोलो 6 मेंबर्ड रिंग बनती और यहाँ पे आपको क्या मिल जाता, पॉजिटिव चार्ज एंड देन आफ्टर वी हैव एलिमिनेशन प्रोडक्ट, दैट इज द फाइनल स्ट्रक्चर। कोई बोलने वाला ही नहीं था, लेकिन इसके साथ क्या होने वाला है बताओ। चलो यहाँ पे मिथाइल भी लेके चल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, अरे कोई दिक्कत नहीं है यार, CH3 लेके चल लो या कोई भी लेके चलो, मान लो मैं नॉर्मली लेके चला हूँ, अभी ये H2SO4 डाला CH3CN के साथ है, तो पहले क्या होगा, मैकेनिज्म कॉमन चलेगी, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हुआ होगा, वाटर मॉलिक्यूल बना होगा, OH+ लिया होगा, वाटर बना होगा, लीव किया होगा, कटाइन बना होगा, रीअरेंजमेंट हुई होगी, पक्का ना, रीअरेंजमेंट तो हुई होगी, इतना तो हमें पता ही है, रीअरेंजमेंट पॉसिबिलिटी है, और जैसे रीअरेंजमेंट हुआ, पर एक बात देखो, वी हैव अ टर्सरी अल्कोहल, इसलिए यहाँ कंडीशन साफ है, यहाँ पे हमें टर्सरी अल्कोहल बनाना ही है, तो इसको टर्सरी अल्कोहल के रूप में ही काउंट करना बेटा, टर्सरी मतलब ले लेना यहाँ पे CH3 को लेकर के चलना, क्योंकि टर्सरी अल्कोहल लीटर के लिए टर्सरी अल्कोहल होना जरूरी है। मैकेनिज्म कॉमन है, यहाँ पे CH3 होता, यहाँ भी आपके पास क्या होता, CH3 होता, अगर नहीं देते, अरे यहाँ पे कुछ नहीं होता, एच है, अगर CH3 है तो इसके पास एच खत्म हो गया ना, तब ऐसे केसेस में क्या होता, अगर ऐसे केसेस बनाते तो CH3 यहाँ एच नहीं है, तब ऐसे केसेस में यहाँ तो अल्किन नहीं बन सकती, अल्किन इधर की ओर बनती, क्योंकि ये एच नहीं जाता, ये एच नहीं जाता, पॉजिटिव यहाँ बनता तो एच यहाँ से लेके आते, अल्किन ये बना देते। अब जैसे इसको बनाओगे, वी हैव अ 6 मेंबर रिंग, एक्सपेंड कर लिया, वही मैकेनिज्म कॉमन चल रहा है, पॉजिटिव यहाँ बना देते, और जैसे पॉजिटिव बनाते क्या होता, यहाँ बताओ, NC3 CH3 लगा हुआ रहता, अटैक करा देते और वाटर बना करके फिर इसको, अभी आपने देखा बेटा यहाँ पे CH3 लगा देते और यहाँ पे N CCH3 होता, प्लस चार्ज N पे आता, इसको आप वाटर का अटैक करा करके क्या बना देते बताओ, यहाँ पे NCOH के रूप में काउंट कर लेते। इसका मतलब मैकेनिज्म कॉमन है, टर्सरी अल्कोहल है, रीअरेंज प्रोडक्ट बनाओ, अल्किन बनाओ, लेकिन अगर एसीटोनाइट्राइल है, कटाइन बनाने के बाद न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और वही यार सिंपल है ना, ये E1 एलिमिनेशन की तरह चला जाता और ये SN1 रिएक्शंस की तरह चला जाता। E1 एलिमिनेशन बोले तो कटाइन बनाओ, अल्किन बना दो, दैट इज E1 एलिमिनेशन, लेकिन अगर कटाइन बना है लेकिन न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा, दैट इज SN1 रिएक्शन। पक्का समझ गए, चलो तो इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना, एंड द लास्ट 2 क्वेश्चन ऑफ रिटर रिएक्शंस भी कर लो, ताकि आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा इस पूरे टॉपिक को समझने में। तो बैकमैन रीअरेंजमेंट के साथ मैंने रिटर रिएक्शंस को भी समझा दिया है, क्यों अलग से इसके पॉइंट को बनाना, इसलिए इसको इसी में समझ लीजिए। जैसे क्वेश्चन और दिया गया है, देख लेना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी यहाँ अल्कोहल है, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल, देयर इज 3 डिग्री अल्कोहल, दिस इज द क्वेश्चन, एंड यहाँ पे एसिडिक कंडीशन डाला है और आपसे कहा है यहाँ CH3CN भी डाल दिया है, क्या डाल दिया है, CH3CN, बोलो, और अगर यहाँ पे केवल H+ डाल देता, H2SO4 डाल देता, तो दोनों में डिफरेंस होता ना। देखो अगर केवल H2SO4 डालता, मानो H2SO4 ही लिख दो यहाँ पे, तो यहाँ अगर प्रोडक्ट बनाने के लिए जाते तो पहले इसी को प्रोडक्ट बनाते, यहाँ से वाटर को निकालते कि नहीं, प्लस चार्ज होता, यहाँ OH होता, तो बोलो ये यहाँ से निकलता, ये यहाँ शिफ्ट होता, ये लोन पेयर 1,3-diol की तरह ये क्या होता, फ्रेगमेंटेशन हो जाता, अरे पढ़ा है ना यार ये वाला, यानी अल्किन यहाँ बन जाती और यहाँ पे क्या बन जाता, C OH CH3 और यहाँ पे HES। देखो ना, बहुत बेसिक बेसिक डिफरेंसेस है ना,
कि अगर मान लीजिए मेरे पास 1,3 डायोल है और एसिडिक कंडीशन में डाला है, तो मैंने फ्रेगमेंटेशंस की स्टोरी पढ़ाई थी आप लोगों को। लेकिन अगर यहाँ पे नाइट्राइल ग्रुप दिया गया है ना, तो समझ लेना यहाँ पे जो आपका मेजर प्रोडक्ट बना है ना, दैट इज द दिस प्रोडक्ट। और इसमें एक्चुअली आपको पूछा गया था ड्रॉ द मैकेनिज्म ऑफ दिस प्रोडक्ट। क्या पूछा गया था? ये आपसे कहा था कि जरा ना इसकी मैकेनिज्म को ड्रॉ करिए कि इसकी मैकेनिज्म क्या है। यहाँ पे आपको मिला था 6 मेंबर की रिंग बना करके, और यहाँ पे नाइट्रोजन था, यहाँ था ऑक्सीजन, यहाँ पे था डबल बॉन्ड, और इसके साथ थे 2 मैथिल ग्रुप CH3 यहाँ पे और यहाँ पे CH3 ग्रुप लगे हुए थे, और किस कार्बन पे? O पे भी CH3 ग्रुप लगा हुआ था। तो अगर आपने इस रिएक्शंस को आगे बढ़ाया है एसीटोनाइट्राइल के साथ, दैट विल बी द प्रोडक्ट। हाउ इट इज पॉसिबल? देखो जरा, तुम बताओ सर, एसिडिक कंडीशन डाला है तो क्या होने वाला है? कैटायन बनने वाला है, और इसको बनाने के लिए कोई रोक नहीं सकता। कोई रोक सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। OH यहाँ पे प्लस, तो देखो N का मतलब रिंग बना, इसका मतलब N ग्रुप को लाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। CH3 यहाँ पे CH3CN है, यहाँ CH3CN है ना, लोन पेयर का अटैक हुआ, और जैसे लोन पेयर का अटैक हुआ क्या बनने वाला है? यहाँ पे N ग्रुप, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे CH3 और N पे पॉजिटिव, यहाँ है OH। अब बताओ क्या होगा, समझे क्या होगा? ये न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, बॉन्ड ओपन, और जैसे बॉन्ड ओपन हो गया दैट विल बी द प्रोडक्ट। तो एक्चुअल में इसने रिएक्टेंट ये दिया था, प्रोडक्ट ये दिया था, बोला था मैकेनिज्म क्या होगी और इसके नाम को क्या बोल सकते हैं। इफ वी हैव अ कटायन अल्कोहल, अटैक हुआ, कटायन बना, रिटर रिएक्शंस के नाम से जाना जाएगा। पर यहाँ जो अटैक हुआ है इसे ऑक्साइम बनाने से बेहतर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके ये सी फॉर्म में चला जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा, पक्का नोट कर लीजिएगा, समझ गए ना। तो फ्रेगमेंटेशन कब होगी? विदाउट नाइट्राइल, अगर ये नाइट्राइल डाल दिया एसिडिक कंडीशन में, आपके पास टर्शियरी अल्कोहल है, तो दैट इज अ रिटर रिएक्शन, और उसमें साइनाइड का अटैक हो जाता है। आगे बढ़े, चलिए, होप्स हो कि आप बोर नहीं हो रहे होंगे, है ना। करिएगा बेटा, कोशिश करिएगा, क्योंकि खामखा लोग ऑर्गेनिक से डरते हैं, पर ऑर्गेनिक है कमाल की चीज़। अगर कंपैरिजन करके पढ़ोगे ना, यानी 2 रिएक्शंस हैं, कब क्या होगा। देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड तो कोई रूल होता नहीं है ऑर्गेनिक में, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कोई फार्मूला है मैं इसमें पुट कर दूं और हमारा फाइनल डेरिवेशन से प्रोडक्ट निकल के आ गया, है ना, आंसर निकल के तो आएगा नहीं। इसलिए कभी कभी दिक्कत होती है, क्योंकि इतने सारे रिएक्शंस हैं, हम किसका नाम कैसे याद रखेंगे। पर रख सकते हैं ना यार, जैसे मैंने रखा है कंपैरिजंस कर करके, जैसे हम नेम रिएक्शंस की सीरीज चल रही है तो उसमें कंपैरिजन चल रहा है, अल्डोल कब, कलेजन कब, रिफॉर्मस की कब, कलेजन कब, नोवेंजल कब, मैनिक रिएक्शंस कब, तो इतने सारे नेम रिएक्शंस तो हैं, पर आपको अब लग रहा होगा कि सीक्वेंस कितना आसान से चल रहा है। तो वैसे ही जो फ्रेगमेंटेशन रिएक्शंस की जर्नी है, इसमें जो नेम रिएक्शंस बहुत सारे हैं, तो क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल लगभग एक जैसे होते हैं, कुछ कुछ कंडीशंस अलग अलग होती हैं, तो आसानी से हम तक पहुँच सकते हैं ना। तो ये बात रख करके अगर ऑर्गेनिक की तैयारी करोगे तो शायद आप आसानी से चीज़ों को समझ सकते हो। तो चलो आज लास्ट क्वेश्चन कर बता दे रहा हूँ मैं, ये आप खुद करोगे। ये क्वेश्चन भी मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे, दैट इज़ द होमवर्क। ये करते रहना, है ना, होमवर्क कर लो। CW तो तुमने कर ही लिया, अब एक बार HW को देख लो। HW क्या है? यहाँ पे 6 मेंबर्ड की रिंग है, वी हैव अ 5 मेंबर्ड रिंग, वी हैव अ बेंजीन कंडीशंस, वी हैव अ इपॉक्साइड रिंग, एंड वी हैव अ H+, वी हैव अ H+, एंड ऑफ कोर्स वी हैव अ RCN, ठीक है। और मैंने जो प्रोडक्ट बना करके लिख दिया है आप लोगों को, यू हैव टू ड्रॉ द मैकेनिज्म, किसकी मैकेनिज्म कैसे बनी होगी, जरा इसको बनाइएगा, फाइन। दैट इज द प्रोडक्ट, यहाँ पे आपको मिलने वाला है N, यहाँ पे मिलने वाला है O, और यहाँ पे आपको मिलने वाला है R, और यहाँ मिलने वाला है डबल बॉन्ड। यू हैव टू ड्रॉ द मैकेनिज्म, ड्रॉ द मैकेनिज्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया बेटा आवर फर्स्ट नेम रिएक्शन ऑफ फ्रेगमेंटेशन। एक और रिएक्शन बचा हुआ है, उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, समझेंगे और कंप्लीट करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो शेयर करिए बच्चा, दूसरे को भी पढ़ने का मौका दीजिए, ठीक है। और यूनिवर्सिटी एग्जाम वाले बच्चे, जो BBMQ के यूनिवर्सिटी एग्जाम वाले बच्चे हैं, बेटा तुम्हारा भी काम आ ही जाएगा ये। तो क्या क्या करोगे, केवल यूनिवर्सिटी एग्जाम का प्रिपरेशन करके? भाई केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो कुछ तो कर लो आगे,
है ना, नेट और गेट की तैयारी कर लो अच्छे से। तो आपका लेवल क्या होगा, लेवल वन तो आपका होता है, लेवल टू थ्री फोर किसका हो जाता है, गेट और नेट का। कर लेना यार, क्या दिक्कत है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, गुड नाइट।